नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बताने वाला हूं। आज मैं इस वीडियो पे टॉपिक पे इसीलिए वीडियो बना रहा हूं कि कई किसानों के फ़ोन आए और कई किसानों के मैसेज वगैरह आते हैं, कमेंट में भी आते हैं कि सर सर्दी होती कैसे। तो किसान भाइयों, आज मैं बताऊँगा आपको कि ब्रॉयलर मुर्गी में सर्दी का वायरस कैसे फैलता है और इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या होता है। तो आज मैं बताऊंगा आपको कि सर्दी का वायरस कैसे फैलता है। सर्दी का वायरस फैलने का एक सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है किसान भाइयों, जो कि हम जब हमारा बच्चा आता है पोल्ट्री से या हैचरी से, जब हमारा बच्चा आता है तो हम उसको बहुत ही हीट में रखते हैं। जब हीट में रखते हैं हम अपने बच्चे को, और हीट में रह रहे कि जब बच्चा बड़ा होता है तो अपन क्या करते हैं, सबसे बड़ी लापरवाही ये करते हैं किसान भाइयों कि हम जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो बच्चे, अपन ये सोचते हैं कि फार्म के अंदर वायरस ना बने और फार्म के अंदर गैस ना बने, और हम अब पूरे पर्दे खोल देते हैं। पर्दे खोलने के बाद किसान भाइयों, कभी आपने ये सोचा है कि अगर आप ही एसी में बैठ के बाहर गर्मी में जाओगे तो आपको कितना प्रभाव पड़ता है। तो किसान भाइयों, ये छोटी छोटी बातें बहुत सोचने की होती हैं। अपन ये पर्दे खोल देते हैं और मुर्गे को डायरेक्ट बाहरी हवा लगने लगती है। बाहरी हवा लगने के कारण मुर्गा प्रभावित हो जाता है किसान भाइयों। जब मुर्गा गर्म में रहता है और एकदम से जब ठंडा मौसम आता है और हम पर्दा खोल देते हैं किसान भाइयों, जैसे कि अभी बारिश आने वाली किसान भाइयों, बारिश में पोल्ट्री फार्मर क्या करते हैं किसान भाइयों कि मुर्गे को हीट में रखते हैं। हीट में रखने के बाद जब मुर्गा थोड़ा बड़ा हो जाता है, 15 दिन 10 दिन का, जब उसका संतुलन सही हो जाता है और नॉर्मल रखने के लायक हो जाता है, किसान भाइयों अपन पर्दा खोल देते हैं। पर्दा खोलने के बाद किसान भाइयों, थोड़ा सा ये सोचिए आप कि पर्दा अपन पूरा ना खोलें, पर्दे को आधा खोलें। हम पर्दे को जैसे जैसे अपन मैनेजमेंट करते हैं किसान भाइयों, वैसा मैनेजमेंट अपन करें। जैसे बच्चा जब छोटा रहता है तो अपन पूरा मैनेजमेंट कैसा करते हैं, पर्दे को बंद रखते हैं और उसको हीट में रखते हैं, क्योंकि उसमें टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। जब आप मुर्गा बड़ा हो जाता है तब भी थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए टेम्परेचर मेंटेन करके ही पर्दा खोलें। अगर पर्दा आप खोल देते हैं और डायरेक्ट हवा लगती है मुर्गे को, जब मुर्गे को सर्द हवा लगती है तो मुर्गे में अपने आप वायरस पैदा हो जाते हैं, और वायरस जब एक बार आपके पोल्ट्री में आ जाता है तो आप कितनी भी दवा चलाएंगे वायरस ख़त्म नहीं होता। और आपने हर चैनल पोल्ट्री के चैनल में ये देखा होगा कि मुर्गे को सर्दी क्यों होती है, बस उसकी दवा बताते हैं, लेकिन किसी चैनल में ये नहीं बताया जाता कि मुर्गे को सर्दी होती क्यों और इसका कारण क्या है। किसान भाइयों, आज मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुर्गे में सर्दी क्यों होती है। जैसा कि मैंने बताया कि सर्दी के कई लक्षण होते हैं, जैसे कि देखिए मैं बताता हूँ आपको, मुर्गे के दिमाग में और ब्रेन में प्रभावित होने के कारण शरीर का संतुलन आहार बिगड़ जाता है और गर्दन टूटने लगती है। पहला कारण मुर्गे का, छींक और खांसी आना शुरू हो जाती है। सांस की नली में प्रभावित होने के कारण सांस लेने तकलीफ होती है, मुर्गा मुँह खोलकर सांस लेने लगता है ना, और मुर्गा मुंह खोल के सांस लेता है तो लोग सोचते हैं कि लगता है मुर्गे में एक नया वायरस आ गया, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सर्दी का वायरस है। प्रभावित मुर्गा आहार भी कम लेता है। पाचन तंत्र प्रभावित होने पर डाइजेशन खराब होने के कारण मुर्गा आहार नहीं लेता और मुर्गा दाना उठाना बंद कर देता है। तो लोग सोचते हैं कि हीट स्ट्रोक आ गया है, हीट स्ट्रोक नहीं है किसान भाइयों, ये सर्दी का वायरस है जो कि मुर्गे के शरीर में जाकर जम जाती है। सर्दी जमने का कारण क्या होता है वो किसान भाइयों, जो मैंने आपको पहले बताया कि अपन जब मुर्गे को मेंटेनेंस करके रखते हैं, जब हम मुर्गे को हम टेम्परेचर में रखते हैं तो बड़ा होने के बाद भी हम उसको हमें मेंटेन करता है करना है ना। अगर आप मेंटेन नहीं करेंगे वो वायरस सर्दी का घुस जाता है। और कई ऐसे कारण होते हैं जैसे कि मुर्गे को मुंह खोल के सांस लेने लगना, आहार कम लेने लगना, मुर्गा अपने आप दाना कम उठाने लगता है, FCR बिगड़ जाता है। FCR बिगड़ने के कारण आपको कम पैसा मिलेगा और कंपनी का फ़ायदा होगा अगर आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं। तो इन छोटी छोटी बातों का आप बहुत विशेष तौर पे ख्याल रखें किसान भाइयों, क्या होता है अगर आप इन बातों का ख्याल नहीं रखते हैं और सर्दी का सिर्फ आप दवा चला दें। दवा चलाने से कुछ भी नहीं होता किसान भाइयों, दवा चलाने से सिर्फ सर्दी मेंटेनेंस होती है, सर्दी ख़त्म नहीं होती है। और सर्दी की दवा चलाने से एक बहुत ही बड़ा कारण होता है जो मुर्गे की आंतें और लीवर में सर्दी जम जाती है और लीवर और मुर्गे की आंतों में सूजन आ जाती है। तो इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखें। धन्यवाद।